दोस्तों, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए आप अक्सर ट्रेन का टिकट बुक करते हैं और सोचते हैं कि ट्रेन में आराम से सो के हम यात्रा करेंगे। बट क्या आपको मालूम है कि ट्रेन में सोने के नए नियम क्या है? आप ट्रेन से यात्रा के दौरान किस टाइम पर सो सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम ट्रेन में सोने के नए नियम के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रेलवे के नियम के अनुसार ट्रेन से यात्रा के दौरान आप केवल रात में सो सकते हैं अपने बर्थ पर, दिन में आप अपने बर्थ पर नहीं सो सकते हैं। रेलवे के पुराने नियम के अनुसार रात के समय आप ट्रेन में अधिकतम 9 घंटे तक सो सकते थे, लेकिन अब यह समय घटाकर 8 घंटे कर दिया गया है। पहले यात्रियों को एसी कोच और स्लीपर कोच में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने की अनुमति थी, लेकिन रेलवे की तरफ से बदले गए नियम के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकेंगे, यानी अब सोने का समय घटकर 8 घंटे हो गया है। यह बदलाव उन सभी ट्रेनों में लागू होगा जिनमें सोने की व्यवस्था है। यदि आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो सोने के नए नियम का पालन करना होगा। अब इस नए नियम के अनुसार अगर आपका लोअर बर्थ है और आपके बर्थ पर मिडल बर्थ या फिर अपर बर्थ का पैसेंजर आके देर रात को बैठा है और आपको सोने में दिक्कत हो रही है, तो आप उन यात्रियों को अपने अपने बर्थ पर जाकर सोने को बोल सकते हैं। कोई भी यात्री जिसका मिडल बर्थ या फिर अपर बर्थ हो, वो लोअर बर्थ पर रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बैठ सकता है। ऐसे ही अगर दिन के समय मिडल बर्थ का कोई यात्री अपनी बर्थ को खोलता है तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि दिन के समय में मिडल बर्थ और अपर बर्थ वाला पैसेंजर लोअर बर्थ पर आके बैठ के अपनी यात्रा कर सकता है। दोस्तों, रेलवेज़ के नए नाइट रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेन से यात्रा के दौरान कोई भी यात्री अपनी सीट, डिब्बे या कोच में तेज आवाज़ में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता। बिना ईयरफोन के कोई भी यात्री तेज आवाज़ में म्यूजिक भी नहीं सुन सकता है। रात 10 बजे के बाद रात की रोशनी को छोड़कर किसी भी यात्री को लाइट जलाने की अनुमति नहीं होगी। रात को 10 बजे के बाद ट्रेन में ऑनलाइन फूड नहीं दिया जाएगा। हालांकि आप ई केटरिंग सर्विस के साथ रात में भी ट्रेन में अपने भोजन के लिए प्रीपेड ऑर्डर कर सकते हैं। रात के समय आप अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके गाना नहीं सुन सकते हैं। आपको अगर मोबाइल पे गाना सुनना है तो कान में ईयरफोन लगाकर सुनिए। आप स्लीपर कोच में ट्रैवल करते हैं या फिर एसी कोचेस में ट्रैवल करते हैं, आपको रेलवेज़ के ये नए नियम पालन करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।